अधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं है। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं है। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। हमारा युवा 2017 के पहले कहीं जाता था तो कुछ जनपद तो ऐसे थे कि उनके नाम पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे, और बाकी युवा कहीं जाता था ये मान लिया जाता था कि या तो ये नकल करके आया होगा या फिर यह कोई सिफारिशी होगा, इसलिए उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश का युवा देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है उसकी धाक किस रूप में है। मुझे याद है 2018 में हम लोग यहां पर एक कार्यक्रम कर रहे थे, इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। उस समय प्रदेश के दो युवा मुझे मिलने थे, एक मनीष चौहान और एक सुश्री स्वाति पांडे, और इन्होंने ने बाहर पढ़ाई की थी। और ये दोनों युवा जब मुझे मिले थे तो इन लोगों ने उस समय मुझे बताया था कि हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के नाम पर हमें लोग बहुत हेत इससे देखते हैं। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, सरकारें ऐसी थी, लेकिन भाइयों बहनों आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन दोनों युवाओं को प्रदेश सरकार ने उस समय संबल प्रदान किया और आज ये लोग ये दोनों प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं, और ये दोनों युवा प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, 1 करोड़ रुपए हर माह कमा रहे हैं।